ग्लोबल वार्मिंग के चलते देश के 4 करोड़ लोगों की जान खतरे में। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। क्या आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था IPCC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाले कुछ दशकों में भारत के 4 करोड़ लोगों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही भारत के मुख्य शहर मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसे तटीय इलाके पूरी तरह से समुद्र में डूब सकते हैं। क्या कारण है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने इतनी बड़ी चेतावनी भारत को दी? साथ ही भारत के और कौन कौन से शहर इस चेतावनी में शामिल है और क्या समाधान है जिससे हम आने वाली इतनी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं? इन सभी कारणों और समाधानों की बात तो आने वाले वीडियो में होगी ही, पर आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि IPCC क्या बला है। तो IPCC का पूरा नाम है इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है जो हम इंसानों के द्वारा जलवायु में होने वाले परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है। इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। ये पैनल 6 से 7 सालों में जलवायु परिवर्तन पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अप्रैल महीने की 4 तारीख को इस पैनल ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि IPCC ने ऐसा क्यों कहा कि आने वाले कुछ दशकों में भारत के तटीय इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और मजेदार फैक्चुअल जानकारी से भरा वीडियो। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊं, तो भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और अकेला भारत ग्रीन हाउस गैसों के कुल वैश्विक उत्सर्जन में से 6.8% उत्सर्जन करता है। अगर आने वाले समय में यही स्थिति रही तो देश के तटीय शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, गोवा, विशाखापट्टनम, उड़ीसा में बढ़ते समुद्री जल स्तर से नीचे के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। इन शहरों में समुद्र के 0.8 डिग्री गर्म हो जाने से साइक्लोन आने की दर बढ़ेगी और उनकी तीव्रता आने वाले समय में और उग्र हो जाएगी। यही कारण है कि भारत के मुंबई, चेन्नई और गोवा जैसे तटीय इलाकों के लगभग 4 करोड़ लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के चलते तटीय बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान गंवा कर देना पड़ सकता है। है ना कितना भयानक डरावना मंजर। और अभी तो रुकिए, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत के मैदानी शहर जैसे दिल्ली, पटना, लखनऊ और हैदराबाद में भी जलवायु परिवर्तन के चलते असहनीय और जानलेवा गर्मी जैसी मौसमी स्थितियां बन चुकी हैं। अगर उत्सर्जन में यही बढ़ोतरी जारी रही तो लखनऊ और पटना 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब तापमान तक पहुँच जाएंगे। वेट बल्ब अपने आप में एक बड़ी भयानक स्थिति है, इसके बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर इससे पहले दोस्तों, इतनी भयानक परिस्थिति को देखते हुए हमें पहले ही संभल जाना चाहिए, तो इन परिस्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े इसके लिए कुछ समाधान है जो हम सभी को अपनाने चाहिए। जैसे कि ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सबसे बड़ा समाधान तो ये है कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए। हम सभी को मिलकर पेट्रोल, डीजल और बिजली का उपयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे हानिकारक गैसों की मात्रा कम की जा सके। रोजमर्रा के दिनचर्या में काम आने वाले उपकरण जैसे कि फ्रीज, एयर कंडीशन इत्यादि मशीनों का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके। ये तो थे कुछ साधारण से बदलाव जो अब हम आसानी से कर सकते हैं और आने वाली इतनी बड़ी आपदा से बच सकते हैं। अब अगर मैं आपको वेट बल्ब के बारे में बताऊं, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां गर्मी और उमस दोनों आपस में जुड़कर 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक के बेहद खतरनाक तापमान जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए उस बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।